खालिद महमूद सदीकी को मुतफिका तौर पर MQM का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। खालिद महमूद सदीकी की ज़ेरे सदारत मरकजी एडहॉक कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में MQM की आला सतह के मरकजी कौंसल की तश्कील का फैसला किया गया है। शुएब मुख्तार से तफसीलात जानते हैं। शुएब मुख्तार, बताइएगा इस अहम फैसले के हवाले से तफसीलात क्या है? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कल जो है MQM पाकिस्तान की मरकजी एडहॉक कमेटी का इजलास जो है पाकिस्तान हाउस में हुआ था। इस इजलास की सदारत जो है खालिद महमूद सिद्दीकी ने की थी। इजलास में एडहॉक कमेटी के रुकन सैयद मुस्तफा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, नसीम जलील, अनीस कायम खानी, फैसल सब्जवारी, अमीनुल हक व दीगर भी शरीक थे। मरकजी कमेटी ने मुतफिका तौर पर खालिद महमूद सिद्दीकी को MQM पाकिस्तान का चेयरमैन मुंतखब कर लिया है। जबकि इस इजलास में मरकजी कमेटी की तंजीमी और सियासी उमूर पर मुआवनत के लिए आला सतही मरकजी कौंसिल की तश्कील का भी फैसला किया गया है। MQM पाकिस्तान की आला सतही मरकजी कौंसिल के अरकानों के नामों का ऐलान जो है जल्द किया जाएगा। चंदमा कम जो है कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से राबता कमेटी को तहलील कर दिया गया था। आज जो है MQM पाकिस्तान का ये फैसला जो है वो सामने आया है। बहुत शुक्रिया आपका।